आज सुबह लगभग 5 बजे के करीब बीकापुर में एक बस जो प्रयागराज से छात्रों को लेकर के कुशीनगर जा रही थी, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक चलते हुए ट्रक में पीछे से बस ने रैम किया था। बस पलटी नहीं थी लेकिन उसके ड्राइवर को और उसमें बैठे हुए 10 छात्रों को उसमें चोट आई है। ये सभी चोट जो हैं वो गंभीर प्रकृति के नहीं है, घातक प्रकृति के नहीं है। ड्राइवर का जो है घुटना, उसमें उनको ज़्यादा चोट आई है, घुटने का फ्रैक्चर हुआ है। और बाकी बच्चे जो हैं, बच्चों को भी कुछ चोटें आई हैं, उनको कुछ ब्लीडिंग हुई है, लेकिन सभी की चोटें सामान्य प्रकृति के हैं, कोई घातक चोट किसी को नहीं है। सभी लोगों को सुबह 6 बजे तक अस्पताल पहुंचा दिया गया था और उनको सबको ट्रीटमेंट मिली है। अभी मैंने स्वयं अस्पताल जा करके इसका निरीक्षण भी किया है और सभी को ट्रीटमेंट मिल रहा था, किसी को कोई घातक चोट नहीं है। जैसे जैसे वो लोग डिस्चार्ज करने लायक होंगे उनको डिस्चार्ज करके और बच्चों को घर भेजा जाएगा। थैंक यू।